फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कुसली आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आपके ही चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में। दोस्तों बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग को बुलावा देता है, धमनियों में खट्टा होने लगता है और इससे मार्ग संकरा कर देता है। तंग धमनियाँ, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है। इनसे रक्त के थक्के, ब्लड क्लॉटिंग होने से दिल का दौरा पड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दोस्तों इसके लिए आपको ये जानना चाहिए कि इस रोग से बचने के लिए आपको क्या खाना है। दोस्तों, इसी के लिए हम आपके लिए ऐसी सब्जियाँ लाए हैं जो न सिर्फ बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेंगे बल्कि गुड कोलेस्ट्रॉल का निर्माण भी करने में आपकी पूरी मदद करेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन है, उसको दबाएँ, हमेशा हेल्दी रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बैड कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे धमनी और शिराओं में जमना शुरू होता है। खून के दौरे को प्रभावित कर हृदय रोगों में बढ़ोतरी करता है। अगर आपके खून में भी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो आपको कुछ सब्जियों का अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। ये सब्जी ना ही सिर्फ बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेंगी बल्कि गुड कोलेस्ट्रॉल का निर्माण में भी आपका पूरा सहयोग देंगी। दोस्तों, आइए जानें इन सब्जियों के बारे में कि कैसे ये आपके कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती हैं और आपको हेल्दी बनाने में मदद करती हैं। दोस्तों, बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए काल हैं ये सब्जियाँ, बैड कोलेस्ट्रॉल का इलाज। दोस्तों, लहसुन सुबह उठते ही 3 से 4 कच्ची लहसुन की कलियाँ चबा चबा कर खा लीजिए। लहसुन कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए, रोगियों के लिए किसी रामबाण से कम नहीं। इसको घर में सब्जी में बनाकर या इसकी चटनी बनाकर भी आप खा सकते हो। दोस्तों अगली जो सब्ज़ी है वो है प्याज। हर रोज़ अगर आप आधा प्याज अपनी खुराक में शामिल करते हैं तो ये आपके बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में बहुत मददगार है। दोस्तों अगली जो सब्ज़ी है, वेजिटेबल है, वो है पुदीना। पुदीने का सेवन बुरे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बहुत ही सहायक है। हर रोज़ 5 से 10 मिली लीटर पुदीने का रस कोलेस्ट्रॉल के लिए रामबाण होता है। दोस्तों अगली जो सब्ज़ी है वो है पत्ता गोभी। एक ऐसी सब्ज़ी है जो अपने गुणों के कारण देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में बहुत ही चर्चा का विषय रही है। पत्ता गोभी की जितनी भी प्रजातियाँ पाई जाती हैं सभी के यूज़ से गंभीर रोगों से छुटकारा मिल सकता है। पत्ता गोभी का रस कैंसर, हृदय रोग, अल्सरेटिव कोलाइटिस आदि गंभीर रोगों में रामबाण है। दोस्तों हम जितनी भी सब्जियां आपको बता रहे हैं सब विज्ञान की कसौटी पर खड़ी हैं। इन सब पर अनेकों रिसर्च हो चुकी हैं, आप निश्चित होकर इनका यूज़ कर सकते हो। दोस्तों अगला जो है अदरक। अदरक कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करने में बहुत ही सहयोगी। अनेक रिसर्च में पाया गया है सिर्फ 3 ग्राम अदरक का यूज़ ब्लड में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। दोस्तों अगली जो सब्ज़ी है वो है एक मशरूम। मशरूम एक चमत्कार सब्ज़ी है। इसके भोजन में नियमित यूज़ करने से बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे पत्ता गोभी कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करता है। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल एक मोमी वसा जैसा पदार्थ है जो आपके शरीर की हर कोशिका में पाया जाता है। कुछ लोग सोचते हैं सभी कोलेस्ट्रॉल ख़राब है, लेकिन ये शरीर के उचित कार्यों के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी प्रक्रियाएं कोलेस्ट्रॉल पर निर्भर करती हैं, जैसे डाइजेशन, पाचन, हार्मोन, विटामिन डी का अब्सॉर्प्शन। हालाँकि जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल अधिक होता है उनमें हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है, विशेषकर तब जब उनके ख़राब LDL कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है। पत्ता गोभी के 2 पदार्थ होते हैं जिन्हें LDL कोलेस्ट्रॉल जो अस्वस्थकार स्तर को कम करने के लिए जाना जाता है। पत्ता गोभी शरीर में कोलेस्ट्रॉल स्तर को कंट्रोल नियंत्रित करता है। दोस्तों प्याज और लहसुन कैसे मदद करते हैं कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में। दोस्तों गर्मियों के मौसम में प्याज का यूज़ सेहत के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। प्याज में फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है। प्याज के यूज़ करने से ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम आप कर सकते हो। इसके अलावा लहसुन कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करेगा। दरअसल लहसुन में एंटी हाइपरलिपिडेमिया गुण पाया जाता है जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद करता है। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल मशरूम कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करता है। दोस्तों मशरूम
कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जाना जाता है। मशरूम कोलेस्ट्रॉल को कम कर मेटाबॉलिज्म को सुधार करने में भी काम करता है। इससे भी हार्ट को हेल्दी रहने में मदद मिलती है। दोस्तों हम आपको बताएंगे कि पुदीना यानी मिंट कैसे कोलेस्ट्रॉल कम करता है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि उच्च कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए ख़तरनाक होता है। ये हृदय संबंधित ये हार्ट से रिलेटेड बीमारियों को जन्म देता है। दोस्तों पुदीने की चाय, विभिन्न रिसर्च में पता चलता है कि पुदीने की चाय हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करने में मदद करती है। दोस्तों अगली जो सब्ज़ी वेजिटेबल है वो है लौकी। लौकी के मौसम में सुबह खाली पेट लौकी का एक गिलास जूस पिएं। इसमें पुदीना और तुलसी के 5 पत्ते भी मिला लीजिए। ये सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को सही नहीं करेगा बल्कि इससे आपके हृदय की धमनी में जमा हुआ क्लॉट भी साफ होगा। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए कैसे फ़ायदेमंद है लौकी। दोस्तों लौकी में भरपूर मात्रा में डाइटरी फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, थायमिन, राइबोफ्लेविन, विटामिन B3, विटामिन B6, मिनरल, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। दोस्तों तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए काल हैं ये सब्ज़ियाँ जिनका यूज़ करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल का इलाज कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।